बाजार लगातार तेजी में है, आज भी अच्छी खासी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। बधाइयां आपको पहले तो, और नए हफ्ते की शुरुआत भी दमदार हुई है। सबसे पहले तो सर अपडेट दे दें, कहां कहां क्या क्या करना है जो आपकी रिकमेंडेशन है उनमें। गुड मॉर्निंग अनिल जी, तो जैसे आपको कहा था सारे पीछे रह गए और बाजार एक तरफ चल रहा है और बाजार की दिशा को बदलना है बहुत ही मुश्किल होता है, तो फॉलो द ट्रेंड। और आपको जैसे कहा था बैंक निफ्टी 17,000 से देखिए 5,000 पॉइंट ऑलमोस्ट बढ़ चुका है, विच इज अह्यूज अपसाइड। तो दोनों चीजें ठीक रही हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि आपको जो हमने कॉल दी थी L&T फाइनेंस रिसेंटली दिया था आपको 57, 58, 59, 60, 61, 65 रुपए हिट कर गया, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हिंडाल्को आपको अनिल जी मैं 38, 42, 45 सब जगह से बोल रहा था, 155 पे आज वहां पे बुक कर सकते हैं। और उसके अलावा PNB जो आपको 30-31 पे कहा था वो 35 हो गया, पार्सल वहां बुक कीजिए। कैन बैंक एज हिट 108, वहां पार्सल बुक कीजिए। स्टेट बैंक एज हिट 198, वो पार्सल बुक कीजिए सर, 150 रुपए पे कहे हुए थे। और बैंक ऑफ बड़ौदा भी 49 हिट हो चुका है, यहाँ पे भी पार्सल बुक कीजिए, ये आपको 38, 40, 42 तीनों भावों में कहे थे। अब आपके सामने जो ओपन कॉल्स हैं उसमें JSW स्टील है, उसमें बने रहिए 220 का टारगेट। अल्ट्राटेक सीमेंट ये अभी भी आप और ऐड कर सकते हैं, 4100 का टारगेट। और L&T फाइनेंस मैंने बुक करा दिया, इसके अगेंस्ट मैंने ICICI बैंक स्टॉप लॉस शॉर्ट दिया था, उसमें स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे 357 अगर हो गया तो आपको एग्जिट करना है। अब आप कहें तो मैं आपकी दो कॉलें जो है वो दूं। बिल्कुल सर, दोनों मैं उम्मीद करता हूँ बाई कॉल ही होगी आज। हाँ जी अनिल जी, दोनों बाई कॉल है जी, बताएं सर प्लीज। तो सबसे पहले है सर गेल, 102 का भाव है, इसमें 99 का स्टॉप लॉस रखिए, 112 से 115। गेल विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ राइजिंग क्रूड प्राइसेस एज गैस वॉल्यूम्स राइज, एंड दी जो इनका पेट्रोकेमिकल का मार्जिन है जो साइड प्रोडक्ट है उसमें बहुत ग्रोथ आएगी। गेल इज अ 8% डिविडेंड यील्ड स्टॉक था और कुछ भी नहीं किया, आई थिंक गेल इज गोइंग टू गिव यू अ 10-15% अपसाइड फ्रॉम हियर। माई सेकेंड पिक अगर आप कहें तो मैं कहूँ सर। जी 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 बिल्कुल सर, प्लीज बताएं। सेकेंड पिक इज अगेन IDFC फर्स्ट बैंक सर, आपको याद है 17, 18, 20, 21 सब पे दी थी, अभी मैं कह रहा हूँ इसका भाव रफली 24 रुपए है, आप इसमें इसमें आप 23 रुपए 15 पैसे का स्टॉप लॉस रखिए। और इसमें मेरा टारगेट 28 से 30 रुपए होएगा, सॉरी इसमें भाव सर 25 है, 24 रुपए 15 पैसे का स्टॉप लॉस और 28 से 30 रुपए का टारगेट। सिंपल रीजनिंग सर, IDFC फर्स्ट इज द ओनली बैंक विच हैड प्रोविजन 2500 करोड़ फॉर वोडाफोन, और वोडाफोन का फोन 4 रुपए का भाव 12 रुपए हो गया। तो आई थिंक IDFC फर्स्ट बैंक इज बेस्ट पॉइज्ड टू स्टार्ट टू लीड फ्रॉम हियर, आई हैव अ लॉट ऑफ वेट इन मिस्टर वैद्यनाथन, मुझे 28 और 30 का भाव दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल 100%, और सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से इनफैक्ट 4,000 करोड़ के आसपास का उनका प्रोविजनिंग किया हुआ है, तो वो प्रोविजनिंग भी रिवर्स होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तो एकदम परफेक्ट आप कह रहे हैं IDFC फर्स्ट बैंक, यहाँ से भी अच्छी तेजी बन सकती है 28 से 30 रुपए के टारगेट के लिए, 24 रुपए 15 पैसे पर स्टॉप लॉस रखिए। गेल यहाँ पर 99 का स्टॉप लॉस रखिए 112 से 115 टारगेट के लिए। तो ये दो बेहतरीन पिक्स हैं बसिन साहब की तरफ से। जी सर, एक और बताए अनिल जी, एक और अपडेट देना चाहता हूँ आपके यहाँ, मैंने 540, 570 फिर 610 में श्रीराम ट्रांसपोर्ट पे बहुत रिकमेंडेशन दी थी, मैं अगर जिन्होंने फॉलो किया बने रहिए। आज आपने पढ़ा है कि ट्रक ट्रांसपोर्ट सर अब 2.5 टाइम इन द लास्ट 2 मंथ, और सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी उसका श्रीराम ट्रांसपोर्ट होएगा, और उसके परसों रिजल्ट है जहां वो डिविडेंड भी देगा और NCD के लिए वो करेगा रेज मनी, और NCD की आज की डेट में लोएस्ट कॉस्ट प्राइस है, मेरे को पक्का है 675 से 700 इसका टारगेट आपको जून के महीने में मिल जाना चाहिए। बिल्कुल 28 मई को आपका 575-570 की रेंज में खरीदारी का कॉल था, 625 का आपका टारगेट था, उसके पार ऑलरेडी निकल चुका है, उसके बाद भी आपने खरीदारी की राय दी है, लास्ट ये मुझे तो नजर आ ही रहा है 625 का टारगेट, 570-575 की रेंज में आपने कहा था, अब भी रुकिए बेचिए मत, खरीदारी करके रखिए तो रखिए, आप कोई चिंता की बात नहीं है यहाँ पर। और मुझे याद है गेल भी आप आज जो बसिन साहब आप दे रहे हैं गेल, आपने मेरे बर्थडे के दिन 2 जून को दिया था 94-95 रुपए में, तब 105 का टारगेट आपने दिया था, अब 105 के वैध करीब आ गया है, और अभी भी आप कह रहे हैं 115 के लिए अभी भी रुकना चाहिए, तो पुरानी पिक्स भी कमाल कर रही है और नई